दोस्तों अगर आपको भी सचिन तेंदुलकर पसंद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में सचिन इज बेस्ट लिखना बिल्कुल न भूलें। आपको बता दें क्योंकि वो वक्त तो कोई भूल नहीं सकता जब भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 में विश्व कप जीता था और सचिन तेंदुलकर को उनके साथियों ने कंधों पर उठा लिया था। सचिन के इस पल को पिछले 20 सालों में खेल का सर्वश्रेष्ठ पल माना गया है। इससे पहले इसके लिए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2000 से 2020 से सम्मानित किया गया। इस मौके पर तेंदुलकर ने बताया कि विश्व कप जीतना उनका बचपन से सपना था और इस सपने को सच में बदलने में उन्हें 22 साल तक इसका पीछा करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। भारतीय क्रिकेट समर्थकों की वोटिंग से सचिन तेंदुलकर को सबसे अधिक वोट मिले हैं और ये अवार्ड जीत गए। अवार्ड मिलने के बाद देश बीच में सबसे पहले तो सचिन तेंदुलकर ने उन्हें वोट करने वाले लोगों और वहां कार्यक्रम में मौजूद लोगों का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा, ऐसे कुछ ही मौके हैं जब पूरा देश साथ मिलकर जश्न मनाता है और लोगों की अलग अलग राय नहीं होती है। यही ताकत है क्रिकेट की जो लोगों को साथ लाती है। जब उनसे पूछा गया कि बार बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाने के बाद छठी बार में सफलता हासिल होने पर आपको कैसा लगा, तो तेंदुलकर ने अपने दिल की बात कही। वो बोले, मेरा सफर 1983 में शुरू हुआ और जब मैं 10 साल का था उस वक्त जब भारत ने विश्व कप जीता था तो मुझे इसकी अहमियत समझ नहीं आई। हर कोई जश्न मना रहा था तो मैं भी पार्टी में शामिल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि देश के लिए कुछ बहुत ही खास हुआ है। मैं भी एक दिन इसका अनुभव करना चाहता था और यहीं से ये सब शुरू हुआ। सचिन ने विश्व कप जीतने के उस पल को याद करते हुए कहा कि वो मेरी जिंदगी का सबसे गौरवपूर्ण मौका था जिसका मैंने करीब 22 सालों तक पीछा किया, लेकिन कभी उम्मीद नहीं खोई। मैंने उस ट्रॉफी को अपने देशवासियों की तरफ से उठाया था।